हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अनबॉक्सिंग करेंगे एलईडी स्ट्रिप की। ये 16 कलर्स में है विथ रिमोट कंट्रोल। इसमें लिखा तो है विथ रिमोट कंट्रोल बस, बट मैं आपको इसका रिमोट कंट्रोल दिखाऊंगा किस तरीके का है। बहुत ही छोटा रिमोट कंट्रोल है। इसके बैक से साइड में भी एलईडी स्ट्रिप लिखा हुआ है, इस साइड में भी एलईडी स्ट्रिप लिखा हुआ है, और बैक साइड में देखते हैं इसमें आप इसको टीवी में लगा सकते हैं, किस तरीके से टीवी में आपको फिट करना है या बैक साइड पे लगाना है टीवी के। ये देखिए यूएसबी पावर विथ रिमोट कंट्रोल लिखा हुआ है इसमें। चूज़ बिटवीन 16 कलर, मतलब इसमें 16 कलर दिए हुए हैं ऐसा इनका कहना है। चलिए देखते हैं इसे ओपन करके। ओपन करने से पहले इसकी मैं आपको MRP दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 3 मीटर का, ठीक है। ये 3 मीटर की एलईडी लाइट है और इसका प्राइसिंग इसमें लिखा है 1999, मतलब 2000 का। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं अमेज़ॉन से, तो उसमें आपको भले ही इसका प्राइस 1000 दिखाए या 400 दिखाए या 500 दिखाए, बट इनको MRP बहुत ज़्यादा लिख करके भेजनी है ये बताने के लिए कि भाई हमने तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है इसमें। चलिए अभी से ओपन करके ही देखा जाए। बोलते हैं मैंने पहली बार वैसे LED स्ट्रिप मंगाई है। लाइट डब्बे के साथ, ना कोई मैनुअल, ना कोई बुकलेट, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक डब्बा, मतलब सिर्फ डब्बा। तो ये देख सकते हैं आप, ये है इसकी LED लाइट्स। ये देखिए आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये इसे ऑन करके भी दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। उसके पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखा देता हूँ, और ये वायर जो है इसको थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ बाहर, ताकि मुझे केबल को पावर बैंक में लगाने में आसानी हो जाए। इसको से रखते हैं। इसके साथ ये अटैच है, इस पर रिमोट है। ये देखो, ये ऐसे अटैच है, रिमोट है ये। देखिए ये बटन है, ये इसका रिमोट है, छोटा सा, इतना सा। साथ में एक और कुछ कनेक्ट करने के लिए ही दिया हुआ है इसमें, बट ये क्या है पता नहीं। अगर इसके साथ कुछ बुकलेट वगैरह होती तो शायद हम इसको थोड़ा सा ठीक से समझ पाते। इस पे कहीं से तार निकला हुआ दिख रहा है मुझे, शायद आपको भी दिख रहा होगा। ये देखिए, मतलब अभी तक मुझे अमेज़ॉन से 2-3 चीज़ें जो आई है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा ही है। चलिए ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले इसको लगाते हैं और चालू करके देखते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ। इसे चालू करते हैं तो आप इसकी लाइटिंग देख ही सकते हैं। मैं पूरी लाइट बंद करके दिखा देता हूँ आपको कैसा ये दिखेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अंधेरे में भी इसकी लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही थी, और अभी इतनी रोशनी है, मतलब एक ट्यूबलाइट, एक LED बल्ब जल रहा है, उसके बावजूद भी इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। अब इसके मोड्स के बारे में देखते हैं ज़रा हम लोग एक बार। इसके रिमोट को यूज़ करके ये बाहर निकल जाए, रिमोट बाहर आ जाता है क्या? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। स्पीड, कलर, मोड, डेमो,
तो पहले मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, सिर्फ रेड कलर में ही जल रहा है ये। वो देखते हैं यहाँ से कलर चेंज होता है क्या। कलर तो चेंज नहीं हुआ, ये रुक गया। और एक बार प्रेस करते हैं, अब कलर चेंज हो रहा है। मतलब आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर्स, इसके इस 16 कलर बोल दिए, बट लेकिन ये सेम कलर ही है जो कभी डीम हो रहे हैं, कभी लाइट हो रहे हैं। आप बाकी अगर गिनती करिएगा तो आपको इसमें लगभग लगभग 7-8 कलर ही मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। 7 से 8 कलर ही है इसमें। बढ़िया, अच्छा है। दूर रखता हूँ उसको, थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। अब इसके बटन को चकते हैं, क्या है, स्पीड स्पीड को करके देखते हैं अब। थोड़ा फास्ट हो गया, और फास्ट हो गया, ज़्यादा ही फास्ट हो गया। मतलब ब्लिंक कर रहा है, शो में ब्लिंक कर रहा है। और ये थोड़ा सा डिस्को लाइट टाइप से बोल सकते हैं इसको, अभी ये डिस्को लाइट टाइप से कर रहा है। तो ठीक है, भले ही प्रोडक्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, एक जगह तार मुझे निकला हुआ दिख रहा है हल्का सा, बट वो भी लाइट जली चल रही है, ऐसा मुझे फील तो नहीं हुआ कहीं भी कि उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो। ये यहाँ पर है तार, ये छोटा सा तार है, या फिर ये इसका प्लास्टिक है, पता नहीं मुझे। मुझे तो तार ही लग रहा है, अंदर से कहीं से सोल्डिंग का निकला हुआ तार है ये। बट फिर भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब जैसे इसको ओपन करके पूरा इसका रोल निकालने के बाद जब मैं इसे लगाऊंगा, अब इसे टीवी के पीछे लगाऊं या कहीं और, ये थोड़ा सा मेरे मन में डाउट है मुझे। क्योंकि तो टीवी के पीछे लगाऊंगा तो मेरे घर वाले तो मुझे भगा देंगे घर से बाहर, और कहीं इसका जुगाड़ देखेंगे। और इसे लगाने के बाद मैं आपको एक बार पूरा प्रॉपर वो दिखा दूंगा कि इसमें हर एक एलईडी लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें सारी की सारी एलईडी लाइट्स जल रही है भी कि नहीं। इसके लाइट्स के बीच बीच में गैप ज़्यादा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसकी प्रॉपर लाइट जो है नहीं जल रही करके, बट इसकी लाइट्स जल रही है। ठीक है, ये ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भड़कीला नहीं लग रहा है, ये ठीक है। ऐसा लग रहा है सिग्नल पे खड़े हैं कहीं। तो यही थी फ्रेंड्स आज की अनबॉक्सिंग। इसकी अच्छी बात ये है कि इस रिमोट, ये तो अच्छी बात थी, रिमोट अलग से रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसका अच्छा पार्ट यही है बस कि इसका जो केबल है, इसकी लेंथ थोड़ी मुझे ठीक ठाक लग रही है। इसके पहले मैंने अपने फ्रेंड के पास देखा था, बट उसके केबल की जो लेंथ थी वो बहुत ही छोटी थी। तो इसके केबल की जो लेंथ है वो मुझे ठीक ठाक लग रही है कि आप इसे दूर से लगा सकते हैं। इसके लिए एकदम नज़दीक ही आपको स्विच विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।